प्यारे सात संगत जी, बड़े प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का टॉपिक है कर्मों का भुगतान। सात संगत जी, एक आदमी बेड पर पड़े लगभग 6 महीने हो चुके थे। 3 मेजर और 5 माइनर ऑपरेशन हो चुका था। हर रोज दर्द से कराहता था, चिल्लाता था, तड़पता था, रोज रोज रोता और मालिक से फरियाद करता था कि हे मालिक, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आपने इतनी बड़ी सजा दी है मुझे। मैंने नहीं कभी मांस खाया और ना ही कभी शराब पी, ना ही किसी नारी को गलत निगाह से देखी और ना ही किसी का हक हलाल की। बचपन से ही संगत की सेवा करता रहा, बचपन को भजन को लगभग समय दिया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक रात बहुत रोया और रोते रोते सो गया। रात को जब वो सोने के बाद सपना देखता है कि बचपन के स्कूल में वो मेडिकल रिसर्च सेंटर में गया है और वहां छोटे छोटे मेढकों को रिसर्च सेंटर में उस पे रिसर्च करने के लिए बता रहे हैं। रिसर्च वाले बच्चों को समझा रहे थे कि मेढक को ऐसे काट कर रिसर्च करते हैं। बाल बुद्धि था, कुछ दो दोस्तों के साथ कहीं तालाब से मेढक पकड़ कर लाए, फिर एक ब्लेड से छोटे मेढक के पेट पर चीरा लगा दिया, बस हड़बड़ा कर नींद टूट गया और उठकर सोचने लगा और कहने लगा, हे मालिक, बेशक मैं बाल अवस्था में था पर वह बेजुबान कितना तड़पे होंगे, कितनी दर्दनाक मौत दी है मैंने उनको। हे सच्चे बादशाह, मैं समझ चुका हूँ कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है, फिर चाहे गुनाह हो, जाने में हो या अनजाने में हो। हे सच्चे बादशाह, तू सच में बख्शनहार है। मैं समझ गया मेरे मालिक, तू मेरे कर्मों का भुगतान मेरी जवानी और जीते जी दे रहा है। अगर यही भुगतान मेरे बुढ़ापे में देता तो कौन मेरी सेवा करता। बुढ़ापे में तो सही सलामत इंसान को नहीं कोई पूछता, फिर बेड पर पड़ा बुढ़ापे को किसने देखा था। इस दुख में भी दर्द का एहसास होते हुए भी तसल्ली है कि दर्द में भी दर्द का ज्यादा एहसास नहीं है। सब रह संतोष है, मेरे साथ मेरे सदगुरु हैं। निगुरा होता है कि पता नहीं जिंदगी तो शानदार करती है, करती पर नरक और 84 को तैयार मिलती है। मालिक तो साथ है, मालिक को ही संभालना है। खुश हूं, सब सेवा कर रहे हैं, हाल चाल पूछ रहे हैं, अब तो रोज कान पकड़ कर तौबा करता है। दिन रात शुक्रिया अदा करता हूं, अब की बार बख्श दो। मालिक सच ही कहते हैं कि भाई वादा कितना दे लेके ते जरूर जाएगा मालिक पर, चंगी तरह साफ करके अपने कर्म की गत में क्या जानू। प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी।